आइए दोस्तों बात करते हैं आज 15 अप्रैल 2020 बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और क्या 5 बड़े ऐलान किए गए वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबर है। और साथ ही स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की हेडलाइंस न्यूज टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे कि दोस्तों सख्त होगा कर्फ्यू, बिना मुंह ढके नहीं निकल सकेंगे बाहर और अधिकारी जाएंगे कार्यालय। जी हां, तो दरअसल आपको पता होगा कि कल पीएम मोदी जी ने संबोधन के बाद पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तो घोषणा कर दी है, राइट। लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक और अनाउंसमेंट ये भी किया दोस्तों कि 20 अप्रैल तक उन सभी जगहों पर बहुत स्ट्रिक्टली से यानी कि कठोर कानून से आपको कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा पर कार्यवाही की जाएगी। जिन जगहों पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं या जिन जगहों पर संक्रमण के केसेस ज्यादा हैं, इसके अलावा सभी राज्यों में आपको लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, स्पेशली 20 तारीख तक, वरना आप पर कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा मुंह पर मास्क लगाए बिना आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ नियम है। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में इस बीमारी से जान जाने वाले लोगों का कुल आंकड़ा जो है दोस्तों वो 10,815 से भी ऊपर पहुंच चुका है। वही 353 लोग भारत को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए तो इसके ग्लोबली आंकड़े 19,49,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, वोल्वो कंपनी की तरफ से ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के बीच खत्म होने वाली जिन कारों की वारंटी है उसको आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, अगर आपके भी घर परिवार में वोल्वो कंपनी की कार है और अगर आपकी वारंटी मार्च अप्रैल में एक्सपायर हो रही है तो उसको कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि क्या महिला जनधन खातों में जमा की गई 500 रुपए की राशि सरकार वापस लेगी, इस पर सरकार ने सफाई दी है। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम टिकटॉक पर कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व है जो दोस्तों अफवाहें फैलाते रहते हैं, गप मार देते हैं ऐसे कुछ। और ऐसा ही किसी ने अफवाह फैला दी कि जनधन खातों में जो सरकार ने 500 रुपए जमा किए ना वो वापस लेगी। तो इस पर दोस्तों वित्त मंत्रालय ने एक क्लेरिफिकेशन दिया स्पष्टीकरण, और उसके अनुसार दोस्तों ये जो खाते में 500 रुपए जमा हुए हैं इसको आप एटीएम के जरिए या बैंक मित्र द्वारा कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको जरूरत है। इन पैसों को सरकार वापस नहीं लेगी, ये कोरी मात्र अफवाह फैलाई जा रही है, आप इन पर ध्यान ना दें। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब आपको 3 मई तक तो घर में रहना ही है, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन 2 के कुछ जरूरी नए नियम भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। पहले वाला लॉकडाउन लॉकडाउन 1 था और अब लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 2.0 जो है ना, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण नियम है आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी जी ने देशवासियों से कई अपील की है जिनमें बेवजह सड़क पर ना निकले, मोहल्ले में या फिर सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। इसके अलावा तमाम सुरक्षा एहतियात जैसे कि हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइजर करें, पीपीई किट का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन 2 की घोषणा के साथ ही पीएम मोदी जी ने एक और बात भी बताई है, और वो ये कि जिन इलाकों में 20 अप्रैल के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर संक्रमण खत्म हो चुका है और अब सब कुछ सही है, उन जगहों पर सरकारी कामकाज और कुछ उद्योग धंधे भी जरूरी शर्तों के साथ शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद ही, प्रशासन की घोषणा होने के बाद ही, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी जी के साथ नुस्खे देखिए, देशवासियों से अपील की है अपने घर के बुजुर्गों का विशेष आप ध्यान रखें, लॉकडाउन और शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पानी का सेवन करें, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जितना हो सके गरीब परिवारों का ध्यान रखें, किसी को नौकरी से न निकालें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं और जिनके यहां पर कोई वर्कर जॉब करते हैं, तो उन लोगों से अपील है कि नौकरी से किसी को ना निकालें और उन लोगों का सम्मान करें दोस्तों जो कि आजकल हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने में लोगों की हेल्प करें, सहायता करें, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मी वगैरह वगैरह। तो कुछ बातें। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि महाराष्ट्र में 10वीं बोर्ड की बच्ची परीक्षाएं और 9वीं एवं 11वीं की दूसरे सत्र की परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं बच रही है इसके अलावा 9th और 11th के एग्जाम नहीं होंगे, रद्द किए जा चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, भारत में जो दोस्तों 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है ना, उसके WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी सराहना की है। और WHO का कहना है दोस्तों कि इस बीमारी को हराने के लिए समय से उठाए गए कठोर कदम को दिखाता है, और पीएम मोदी जी ने जो आज ये ऐलान किया ये वाकई में अच्छा किया, खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी प्रशंसा की है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा, अमरनाथ यात्रा पर असमंजस की स्थिति बन रही है, एडवांस पंजीकरण जो बन रहे थे वो 4 मई तक स्थगित कर दिए गए यानी कि रोक दिए गए। अब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, 4 मई के बाद पता चलेगा कि अमरनाथ यात्रा इस बार इस साल रहेगी भी या नहीं रहेगी, तो फिलहाल इसकी बुकिंग को स्थगित कर दिया। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ चुका है, और इसलिए देखिए आप कोलकाता में बच्चों से
से ऑर्गेनिक खेती वगैरह करवाई जा रही है ताकि वे खुश रहें। और आप भी अपने बच्चे बच्चों को, आजकल जब लॉकडाउन है तो जाहिर से बात है माता पिता भी घर पर ही होंगे, तो अपने बच्चे बच्चों को कुछ न कुछ नई चीजें सिखाएं ताकि उनको बोरियत महसूस ना हो। इसके अलावा उनमें चिड़चिड़ापन ना बढ़े। दिन भर उनको मोबाइल फोन स्मार्टफोन वगैरह दे करके और आप उनको नुकसान पहुंचाते हो, इसीलिए आप उनको कोई नई स्किल सिखाएं, नए कुछ जिंदगी के तौर तरीके सिखाएं, आपके अनुभव शेयर करें उनके साथ ताकि बच्चे बच्चों का मन भी लगे और इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग भी हो सके। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि एनसीईआरटी की पहली से लेकर 12वीं तक की सभी विषयों की नई किताबें मिलेगी अब ऑनलाइन। आखिर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको बता दें दोस्तों कि जहां अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसी बीच घर बैठे बच्चे पढ़ाई कर पाए, इसीलिए एनसीईआरटी ने एक नया पहल शुरू किया और इसके तहत दोस्तों अब एनसीईआरटी की पहली से लेकर 12वीं तक की बुक्स जो है ना आप ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे। इसको लेकर एनसीईआरटी ने एक नया वेब पोर्टल भी जारी कर दिया, ebooks-ncert के नाम से एक नया पोर्टल चालू किया गया। QR कोड के जरिए आप अपने मोबाइल में बुक्स को डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं एक साथ, तो ये कुछ फीचर्स हैं, फायदा उठा सकते हैं आप। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है लॉकडाउन 2.0 को लेकर, देख सकते हैं अप्रैल महीने में ऑटो सेक्टर को तगड़ा झटका लगेगा। हर रोज इंडस्ट्री को 2300 करोड़ रुपए तक का घाटा हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना दोस्तों उनको 2300 करोड़ रुपए का घाटा हर रोज हो रहा है, एक एवरेज रेशियो निकाला गया उसके अनुसार। हालांकि दोस्तों पहले जान है तो जहान है, ये फंडा है, मंत्र है पीएम मोदी जी का, और इसीलिए चाहे देश की इकोनॉमी को नुकसान भले ही हो रहा हो लेकिन लोगों को बचाना भी तो जरूरी है, इसीलिए सरकार के फैसले समय समय पर अच्छे लिए जाते हैं और हमें दिल से उनका पालन भी करना चाहिए। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि जिन इलाकों में 28 दिन तक कोई भी नया केस नहीं आएगा ना, उन्हीं इलाकों को इस बीमारी के वायरस से बिल्कुल मुक्त क्षेत्र माना जाएगा, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। जिस जिले में, जिस राज्य में 28 दिन तक एक भी नया केस नहीं आएगा उन इलाकों को इससे मुक्त क्षेत्र माना जाएगा, और उसके बाद वहां पर सरकार फैसले ले लेगी कि यहां पर काम धंधे चालू करने हैं, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह, तो ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, इस लॉकडाउन के बीच श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। सेकंड लॉकडाउन के अंदर मजदूरों को, श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने 20 कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। और दोस्तों ये कंट्रोल रूम जो है चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस के तहत बनाए गए हैं। इनका काम क्या रहेगा दोस्तों, तो ये श्रमिकों की तनख्वाह संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको सेटिस्फिकेशन दिलाएंगे, तो ये मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, गुजरात यूनिवर्सिटी में इस बीमारी के चलते उस यूनिवर्सिटी को इसका केयर सेंटर बना दिया गया। और दोस्तों ये इतनी बड़ी है कि यहां पर 2000 इस तरह के संक्रमित व्यक्तियों का, लोगों का उपचार हो सकता है, तो ये भी अच्छा फैसला है। और साथ ही अपडेट देख पा रहूंगी कि पीएम मोदी ने कंपनियों से भी अपील की है कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें। कल का भाषण अगर आपने सुना होगा तो पता होगा, हमने DLS न्यूज के ऊपर लाइव भी बताया था आपको। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भी छटनी नहीं करेगी, इसके लिए दोस्तों इन कंपनियों ने मास्टर प्लान भी बनाया है। कुल मिलाकर ये बड़ी कंपनियां तो अपने कर्मचारियों को नहीं निकालेगी, लेकिन छोटे छोटे उद्योग धंधों में जो लोग बाग काम करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, उन सेठ लोगों से, कि प्लीज आप अपने कर्मचारियों को ना निकालें। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि सिर्फ गरीबों की ही होगी निजी लैब में फ्री में जांच इस बीमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया, संशोधन किया, यानी कि सभी सरकारी और निजी लैब में इसकी मुफ्त जांच का जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था केंद्र सरकार को, उसको वापस ले लिया और अब प्राइवेट लैब्स के अंदर सिर्फ गरीबों को ही निःशुल्क जांच होगी, गरीब लोगों की, है ना, बाकी इसकी 4500 रुपए समथिंग फीस है। और साथ ही दोस्तों सरकार लॉकडाउन 2 के लिए राहत पैकेज 2 भी घोषित कर सकती है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। आपको बता होगा कि जब पहले लॉकडाउन लग रहा था 21 दिनों का, उस दौरान भी सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राहत पैकेज जारी किया था, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए, राइट। अब दोस्तों ऐसे में लॉकडाउन 2 में भी सरकार राहत पैकेज 2 घोषित कर सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। देखते हैं सरकार अब जो कुछ भी अनाउंसमेंट करेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि रामायण की अभूतपूर्व सफलता के बाद दूरदर्शन ने लॉन्च किया नया चैनल DD रेट्रो करके, जहां पर इन धारावाहिकों का प्रसारण किया जाएगा। दरअसल आपको पता होगा पहले रामायण जो चलती थी ना, उससे भी ज्यादा TRP रामायण महाभारत वगैरह पर अभी देखी जा रही है, मतलब लोग बाग अभी पुराने सीरियल्स को, धारावाहिक को इतना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के मद्देनजर दोस्तों दूरदर्शन की तरफ से DD रेट्रो एक नया चैनल जारी किया गया है। और दोस्तों DD रेट्रो पर अब आप महाभारत, श्री कृष्णा, जय हनुमान वगैरह इस तरह के सीरियल्स और धारावाहिक भी देख पाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी पुरानी यादों को ताजा कर पाएंगे। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं लॉकडाउन के पार्ट 2 के मद्देनजर भारतीय रेलवे की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे जो है 39 लाख लोगों के ट्रेन टिकट को कैंसिल करेगा, रद्द करेगा और उनके पैसे वापस आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। यात्रीगणों के लिए जरूरी सूचना, अगर आपने रेल टिकट ऑनलाइन बुक किया दोस्तों, तो जिस वे से आपने बुक किया उसी वे से आपको वापस ऑनलाइन आपके उसी अकाउंट में, डेबिट कार्ड में, रेलवे की तरफ से टिकट के पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि इस महामारी के बाद प्रॉपर्टी के दामों में 20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, ये कहना है दीपक पारेख का। जी हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन SDFC के चेयरमैन जो है दीपक पारेख जी, उन्होंने मंगलवार को कहा कि इस बीमारी के बाद रियल एस्टेट की कीमतों में 20% तक कमी आ सकती है। पारेख के मुताबिक शेयर बाजार ने भी अपना सबसे
सबसे निचला स्तर अभी तक नहीं छुआ है। हालांकि स्थितियां अभी भी काफी अच्छी चल रही है। और साथ ही अगला अपडेट है मौसम समाचार को लेकर। भारत के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का जो मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार देख सकते हैं अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और केरल के भी कुछ भागों में बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर देश में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसके टू जेड जानकारी भी आप देख सकते हैं क्योंकि इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास क्या स्थितियां चल रही हैं, इसके मरीज कितने हैं, कहां क्या डेटा चल रहे हैं, सरकार की क्या और इसको लेकर अपडेटेड जानकारियां हैं, सब कुछ आरोग्य सेतु ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यूज कीजिएगा इसे जरूर। साथ ही दोस्तों इस बीमारी के चलते एक और फैसला लिया गया। अप्रैल मई और जून में होने वाली जितनी भी मीटिंग्स थी उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थगित कर दिया यानी कि रद्द कर दिया। यूनियन नेशंस जनरल असेंबली की जितनी भी आने वाली कुछ महीनों की बैठकें थी मीटिंग्स थी उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया यानी कि रोक दिया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन 2 के बाद दोस्तों इंडिगो कंपनी की तरफ से घोषणा की गई है कि आखिर फ्लाइटें कब शुरू होगी। तो फ्लाइट्स एरोप्लेन वगैरह की सुविधाएं दोस्तों 4 मई के बाद ही शुरू होगी। 3 मई तक लॉकडाउन खत्म होगा और उसके बाद अगर सरकार लॉकडाउन को नहीं बढ़ाती है तो 4 मई के बाद इंडिगो वगैरह की एयरलाइन शुरू होने की संभावना है। साथ ही अपडेट आ रहा है दोस्तों अगला, उत्तर प्रदेश बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में 20 अप्रैल से ई लर्निंग व्हाट्सएप व वर्चुअल क्लासेज के जरिए पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से, जिसके तहत दोस्तों यूपी बोर्ड की ओर से संचालित 27,000 से अधिक माध्यमिक कॉलेजों में पंजीकृत छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब ई लर्निंग के माध्यम से की जाएगी जिसमें व्हाट्सएप वगैरह वर्चुअल क्लासेज का सहारा लिया जाएगा। साथ ही अपडेट है दोस्तों लॉकडाउन पार्ट 2 के अंदर आप घर बैठे सोना भी खरीद सकते हैं। 20 अप्रैल से सरकार सोना बिक्री करने की भी एक नई बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। तो दरअसल भारत सरकार की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना दोस्तों 20 अप्रैल 2020 से लेकर 8 सितंबर 2020 तक 6 किस्तों के अंदर इसके नए बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे और इसके तहत 20 अप्रैल के बाद आप भी ऑनलाइन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना खरीद सकते हैं। अपना पैसा अगर इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं घर बैठे ही तो लॉकडाउन के दौरान भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने बेरोजगारी कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, 75,000 लोगों को नौकरी देगी। जी हाँ, तो दरअसल ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन जो है ना दोस्तों उसने दुनिया में अभी जो संकट की घड़ी चल रही है इस दौरान बड़ी हायरिंग की है। देखिए जरा आप, जहाँ इस समय कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है ना, इस दौरान भी दोस्तों अमेजोन अपनी कंपनी में कर्मचारियों को हायर कर रही है। तो ये अच्छी बात है, इससे कुल मिलाकर के लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है लॉकडाउन के अंदर रमजान शुरू हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों 24 अप्रैल से रमजान अगर शुरू होते हैं तो इसके 10 दिन तक लॉकडाउन में ही रमजान रहेंगे और इसलिए मुस्लिमों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि घरों में इबादत करें, इफ्तार की रकम से गरीबों को जरूर राशन दें। जी हाँ, बात कुछ यूं है दोस्तों कि अगर 23 अप्रैल की रात को चांद दिखता है ना तो फिर रमजान 24 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान स्थिति के अनुसार 3 मई तक लॉकडाउन रहना यानी कि रमजान के शुरुआत के 10 दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे। इस दौरान मुस्लिम लोग मस्जिद भी नहीं जा सकेंगे और घर में ही इबादत और इफ्तार करेंगे। विशेष नमाज तरावीह भी मस्जिद में नहीं होगी। इसको लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और लखनऊ के शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने रमजान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो सभी मुस्लिम भाई लोग ये बातों का ध्यान रखें। और साथ ही अगला अपडेट है, दिल्ली एनसीआर के अंदर हॉटस्पॉट के टाइम पर भी दूध की कोई कमी नहीं होगी, इसको लेकर मदर डेयरी ने विशेष व्यवस्थाएं वगैरह शुरू कर दी है। तो राजधानी के लोगों के लिए राहत भरी खबर के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 3 मई तक मोदी सरकार की तरफ से, इसके बारे में आपकी क्या राय, आपके क्या विचार है? अच्छा किया भारत सरकार ने, पीएम मोदी ने, या बहुत अच्छा किया, या बहुत जरूरी था, या आपकी राय विचार क्या है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी से, और साथ ही आप जीत सकते हैं हमारे टीआरएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। कमेंट करने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आप सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें खत्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही टीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।